हेलो गाइस वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल आज की इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं पैट और लीट की जो यहाँ पे काउंसलिंग शेड्यूल है उसके बारे में बात करेंगे गवर्नमेंट और प्राइवेट जो इंस्टीट्यूशंस में रहेगा तो उसके शेड्यूल के बारे में बात करेंगे कब से स्टार्ट हो रहा है क्या फॉर्मेलिटीज रहेंगी कब फर्स्ट राउंड सेकेंड राउंड और थर्ड राउंड की जो काउंसलिंग शेड्यूल है वो तो कब कब रखी गई है तो स्टार्ट करते हैं वीडियो जो है थोड़ा लेट हो गया तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एच पी टेक बोर्ड डॉट कॉम की वेबसाइट पे आपको ये दिख जाएगा यहाँ पे यहाँ पे आप देख सकते हैं जो डेट ऑफ अपडेशन ऑफ टेंथ मार्क्स यहाँ पे टेंथ क्लास के जो मार्क्स हैं फिलिंग ऑफ इंस्टीट्यूशन एंड कोर्स चॉइस बाई एलिजिबल कैंडिडेट्स ऑन द बेसिस ऑफ पैड स्कोर फॉर थ्री ईयर इंजीनियरिंग डिप्लोमा कोर्सेज हैज़ हैज़बिन फिक्सड फ्राम तो 14 जून से लेके 30 जून तक इसकी डेट जो है फ़िक्स की गई है जिसके लिए आप जो है टेंथ के मार्क्स अपडेट कर सकते हैं जो इंस्टीट्यूशन चॉइस रहेगी और सब्जेक्ट की चॉइस रहेगी वो आप वहाँ पे जो है लॉग इन करके जो है उसको आप सिलेक्ट कर सकते हैं मतलब अपनी चॉइस दे सकते हैं कि कौन कौन से इंस्टीट्यूशन आपने जो है प्रेफरेंस देनी है और आपके कोर्स की कौन सी प्रेफरेंस रहेंगी और टेंथ के मार्क्स जो है आप कर सकते हैं ये पैट स्कोर के बेसिस पे रहेगी आपकी चौदह से तीस जून के बीच में रहेगी और द लेट डेट फॉर अपडेशन ऑफ ट्वेल्थ और आई मार्क्स एंड फिलिंग ऑफ इंस्टीट्यूशन एंड कोर्स चॉइस बाई एलिजिबल कैंडिडेट्स ऑन द लीड स्कोर बेसिस तो लीड वाले जो हैं दो ईयर टू ईयर जो डिप्लोमा रहेगा वो रहेगी यहाँ पे पंद्रह से तेईस जून के बीच में तो ध्यान से सुन लें जो पैट वाले हैं वो अपडेशन कर सकते हैं चौदह से तीस के बीच में और लीट वाले जो हैं वो पंद्रह से तेईस जून के बीच में यहाँ पे आपने जो डॉक्यूमेंट्स सॉरी अपने जो मार्क्स हैं प्लस टू के आईटीआई के वो अपडेट कर सकते हैं दूसरी अगर बात करते हैं यहाँ पे डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर टू ईयर डिप्लोमा इन फार्मेसी कोर्सेज बीन फिक्स्ड तो यहाँ पे बारह से स्टार्ट मीन्स कि आज से स्टार्ट हो चुके हैं और चौबीस जून तक रहेंगे ये जो है डिप्लोमा इन फार्मेसी के लिए रहेगा जो डिप्लोमा इन फार्मेसी करना चाह रहे हैं वो अपडेट कर सकते हैं यहाँ पे अपने मार्क्स अगर हम बात करते हैं ये पूरी डिटेल्स यहाँ पे दे रखी है यहाँ हेल्प हेल्पलाइन नंबर देखा है इस पर आप कभी भी कॉल कर सकते हैं किसी भी इन्फॉर्मेशन के रिगार्डिंग तो ये यहाँ पे मैंने शेड्यूल बता दिया कि जो कि आपने नंबर्स जो आपने अपडेट करने हैं चॉइस ऑफ इंस्टीट्यूशन एंड कोर्स की चॉइस जो देनी है वो दे सकते हैं डेट्स के बीच में अभी चलते हैं हम यहाँ पे हिंदी में भी दे रखा है तो यहाँ से भी आप एक बार चेकआउट कर सकते हैं देखो यहाँ पे देख सकते हैं चौदह से तीस के लिए पैट स्कोर के बेसिस पे कर सकते हैं और पंद्रह से तेईस के बीच में लीड वाले और जो फार्मेसी वाले हैं वो बारह से चौबीस के बीच में इसमें कर सकते हैं और अभी चलते हैं यहाँ पे तो यहाँ पे पूरी जो डिटेल्स यहाँ पे टेंटेटिव काउंसलिंग शेड्यूल फॉर एडमिशन टू पॉलिटेक्निकल फर्स्ट ईयर फॉर सेशन तेईस चौबीस के लिए यहाँ पे दे रखा है पैट का एडमिशन टेस्ट जो हो चुका है डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट यहाँ पे बता दी गई है ये यह सारी डे यहाँ पे आप देख सकते हैं पॉइंट नंबर सिक्स अपडेशन ऑफ टेंथ मार्क्स एंड फिलिंग ऑफ इंस्टीट्यूशन एंड कोर्स चॉइस बाय एलिजिबल कैंडिडेट्स ऑन द बेसिस ऑफ पैट स्कूल तो जो चौदह से तीस के बीच में रहेगी अलॉटमेंट ऑफ सीट्स फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग जो ऑनलाइन काउंसलिंग होगी फर्स्ट राउंड की वो चार सात दो हज़ार तीस तेईस तक होगी और यहाँ पे रिपोर्टिंग ऑफ एडमिशन बाई कैंडिडेट्स एंड वेरिफिकेशन ऑफ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स सर्टिफिकेट्स इन रिस्पेक्टिव ऑफ पॉलिटेनिक्स तो ये रहेगी दस सात दो हजार तेईस इन्स की दस अगस्त दो हजार तेईस तक रहेगी ये वैकेंसी लिस्ट अपडेशन तो सेकेंड जो यहाँ पे रहेगी जो बेकेंट पोस्टें हैं सेकेंड राउंड की वो यहाँ पे ग्यारह सात को डिस्प्ले कर दी जाएंगी डिस्प्ले ऑफ विकेंड सीट्स आफ्टर तो ग्यारह सात को ये जो विकेंड पोस्टें होंगी वो डिस्प्ले कर दी जाएंगी वेबसाइट पे उसके बाद जो है नेक्स्ट रिविज़न ऑफ चॉइस की द्वारा से आप चॉइस चेंज कर सकते हैं मार्क्स अपडेट कर सकते हैं और इसके लिए बारह से जो बारह अगस्त से उन्नीस अगस्त का टाइम रखा गया है सेकेंड जो अनाउंसमेंट सॉरी काउंसलिंग डेट रहेगी वो इक्कीस सात दो रहेगी सीट अलॉटमेंट और आप जो रिपोर्टिंग टाइम रहेगा वो 25 अगस्त से पहले पहले का रहेगा और विकन्सी जो अपडेट कर दी जाएगी कितनी विकेंट पोस्टें बची हैं डिफरेंट इंस्टीट्यूशन में वो छब्बीस छब्बीस सात को कर दी जाएगी उसके बाद नेक्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग जो रहेगा सेंट्रलाइज राउंड वन एट गवर्नमेंट पॉलिटेक्निकल कॉलेज सुंदरनगर तो वो इकतीस को यहाँ पे रखा गया पैट मार्क्स फॉर एलिजिबल कैंडिडेट्स ऑन द बेसिस ऑफ पैट स्कोर और जो आप इकत्तीस सात दो हज़ार तेईस को रखा है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं पेट जिनके मार्क्स 150 से अबव है फोर कैंडिडेट्स विद पैट मार्क्स अबब 150, 151 और इससे ऊपर वाले वो इकत्तीस सात दो हज़ार तेईस को एक आठ दो हज़ार तेईस को सॉरी जुलाई था यहाँ पे अगस्त बोल रहा था मैं एक आठ दो हज़ार तेईस एक एक अगस्त दो हज़ार तेईस को यहाँ पे एलिजिबल फॉर एलिजिबल कैंडिडेट्स ऑन द बेसिस ऑफ पैट स्कोर और दो अगस्त को रखी है एलिजिबल कैंडिडेट्स ऑन द बेसिस ऑफ टेंथ मार्क्स यहाँ पे इनकी जो काउंसलिंग होगी और उसके बाद वैकेंसी लिस्ट अपडेशन बाय प्रिंसिपल चार को कर दी जाएगी डिस्प्ले ऑफ वेकेंट जो है पाँच को कर दिया जाएगा उसके बाद नेक्स्ट काउंसलिंग जो है वो सात और आठ को यहाँ पे रखी गई हैं उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट यहाँ पे सेकेंड ईयर मीन्स की जो लीट वाले होंगे उनके लिए दे रखा है तो इसका यहाँ पे अपडेशन मैंने बता दी पंद्रह से तेईस को रहेगी फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग जो है वो सताईस छः के सताईस जून को हो जाएगी और रिपोर्टिंग टाइम तीन जुलाई को रखा गया है वैकेंसी पोजीशन अपडेट कर दी जाएगी चार जुलाई को पाँच से ग्यारह तक आप दोबारा से अपडेट कर सकते हैं मार्क्स और चौबीस को सेकेंड राउंड जो है वो चौदह जुलाई को होगा अठारह जुलाई तक आपने रिपोर्ट करना है एडमिशन लेनी है मीन्स वेकेंसी जो अपडेट कर दी जाएगी उन्नीस को सेकेंड राउंड के बाद और उसके बाद सेंट्रलाइज जो काउंसलिंग होगी गवर्नमेंट पॉलिटेक्निकल सुंदर नगर के लिए वो 21 को रखी है जिनके 150 से अब लीट में जिनके 150 सौ पचास से अबव मार्क्स हैं और जो एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं उनकी जो बाकी हैं 22 को रखी गई है उसके बाद वैकेंसी अपडेट कर दी जाएगी छब्बीस को और जो सेकेंड राउंड ऑफ़ काउंसलिंग है वो अट्ठाईस जो है जुलाई को रखा गया है उसके बाद अगर बात कर लेते हैं फार्मेसी के लिए तो यहाँ पे फर्स्ट राउंड ऑफ़ काउंसलिंग जो अट्ठाईस जून को हो जाएगी उसके बाद यहाँ पे वैकेंसी अपडेट कर दी जाएगी फर्स्ट राउंड के बाद सात चार जुलाई को और यहाँ पे उसके बाद अगर सेकंड काउंसलिंग uh, की बात करते हैं तो सत्रह जुलाई को रखी गई है और उसके बाद यहाँ पे जो वेकेंसी पोजिशन डिस्प्ले की जाएगी वो चौबीस जुलाई को कर दी जाएगी और यहाँ पे जो थर्ड राउंड ऑफ काउंसलिंग रखा है वो सताईस से सताईस को रखा है सत्ताईस जुलाई दो हज़ार तेईस को उनतीस को जो, जो है इसकी वेकेंसी पोजिशन अपडेट कर दी जाएगी और डिस्प्ले सो वट पोस्ट ऑफ फर्स्ट राउंड ऑफ उफ सेंट्रलाइज ऑफलाइन काउंसलिंग जो है उनतीस सात को डिस्प्ले कर दिया जाएगा फर्स्ट राउंड इकतीस जुलाई को रखा गया है तो ये आप देख सकते हैं ये पूरा शेड्यूल यहाँ पे दे रखा है इसकी पीडीएफ मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा फिर भी अगर आपके कोई डाउट्स हैं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं आपको पूरी हेल्प प्रोवाइड करवा दी जाएगी तो इस तरह से आपको जो है पहले जो कम्प्लीट प्रोसेस की बात करते हैं तो पहले आपको मार्क्स अपडेट करने होंगे जो डेट्स मैंने मैंशन किए हैं उसके बाद आपके जो लिस्ट है आपको कॉल द्वारा कर दिया जाता है इंटीमेट कर दिया जाता है और उसके बाद जो है आपने जो है यहाँ पे अपने सर्टिफिकेट्स जो हैं वो रिपोर्टिंग टाइम के अंदर अंदर आपने ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स जो हैं रिस्पेक्टिव पॉलिटेक्निकल के अंदर सबमिट करवाने होते हैं और उसके बाद जो है जो खाली सीटें बचती हैं उसको डिस्प्ले किया जाता है और सेकेंड राउंड करवाया जाता है सेकेंड के बाद जो बच जाते हैं वो थर्ड राउंड के लिए जो है काउंसलिंग करवाई जाती है तो इस तरह से पूरी काउंसलिंग्स रहेंगी तो आपने अपनी जो जैसे फर्स्ट राउंड में नंबर नहीं पड़ता है तो आपने सेकंड राउंड में अपने जो चॉइसेस है जो स्ट्रीम चॉइसेस है अगर नहीं बदलना चाहते तो जो पॉलिटेक्निकल इंस्टीट्यूशन चॉइसेस है उनको चेंज कर सकते हैं ताकि आपका जो है सेकंड राउंड में नंबर पड़ जाए तो ये कंप्लीट डिटेल्स थी अगर फिर भी आपको कोई डाउट्स है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं आपको हेल्प प्रोवाइड करवा दी जाएगी इस तरह के वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें सब्सक्राइब के साथ में बेल आइकन बैलाइकन क्लिक कर दें ताकि आपको मेरे आपको मीडियो इनमेंशन मिलती रहे थैंक यू